अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी चिकन तहारी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 700 ग्राम हमने चिकन लिया है, 650 ग्राम हमने चावल लिया है, डिस्प्ले में हमने इतना ही दिखा रहे हैं, हाफ कप ऑयल है, 200 ग्राम 200 ग्राम दही है, 4 टमाटर, 2 मीडियम कांदे, पुदीना, कोथमीर और 12 हरी मिर्च लिए हैं हमने। वन फोर टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक है, शाही ज़ीरा है और खड़े गरम मसाले में 4 इलायची, 3 लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का जूस। पहले हम तेल डाल के गरम कर लेंगे, इसमें खड़े गरम मसाले डाल लेंगे, हमने कांदे को चॉप करके रख लिया था, कांदा डाल लेंगे, इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है। नमक डाल लेंगे ताकि जल्दी ये लाल हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है हमें, थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब हम कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च और शाह जीरा डाल के एक पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में। इसे भी डाल लेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट हम डाल लेंगे। अच्छी तरह से हमें भुनना है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। हमने चिकन धो के रखा था, उसे भी डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए आपको इसे पका लेना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर को चॉप करके रख लिया था हमने। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर। हमें दही फेंट के रख लिया था, उसे डाल लेंगे। दही डालने के बाद फ्लेम को लो कर लें आप। और दही का पानी सूखने तक हम इसे भून लेंगे। इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने हाई फ्लेम पर पका रहे हैं इसे। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए हम इसे पकाते रहेंगे, मसाला भूनते रहेंगे। अब जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना अच्छा आपकी तहारी बनेगी। इसमें लेमन जूस डाल लेंगे। गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला अब लास्ट में डालेंगे, आपको इसका ध्यान देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 5 मिनट के लिए पका लेंगे हम इसे। अब हम 3 बड़ी गिलास पानी डाल लेंगे इसके अंदर। नमक डाल लेंगे और पानी उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है। हमने चावल को सोक करके रखा था 1 घंटे के लिए और धो लिया था इसे,
जब तक पूरा चावल में का स्टार्च ना निकल जाए तब तक आप इसे धोना है चावल को, इसका ध्यान देना है आपको तहारी बनाते वक्त। अब हम इसमें मिला लेंगे, पानी में डाल लें आप चावल को, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब देखिए बॉईल आ गया है राइस में। इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे हम। देखिए पानी सूखने लगा है ये। जब आपको इसमें होल्स, छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं इसमें, तब आप इसे दम पे छोड़ देंगे, ढक्कन लगा लेंगे और हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे इसे दम पर। देखिए 12 मिनट हमने दम पे रखा था, हमारी तहारी तैयार हो गई है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, रायते के साथ में सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।